अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भव्य समापन, जाने कौन सी टीम रही विजेता। देवतला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रतनगवा में राधा कृष्ण खेल समिति द्वारा अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का 25 जनवरी से शुभारंभ किया। वॉलीबॉल की इस प्रतियोगिता में अन्य राज्यों से आए 16 टीम के प्रतिभागी आमंत्रित रहे। कई वर्षों से राधा कृष्ण खेल समिति द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा। वही समापन में प्रथम विजेता टीम देहरादून, उप विजेता शिवनगरी बनारस टीम रही, जिसमें प्रथम विजेता टीम को 21,000 नगद के साथ विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई और द्वितीय टीम के लिए 15,000 नगद प्रोत्साहन पुरस्कार राशि के साथ उप विजेता की ट्रॉफी प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी रहे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत मऊगंज के अध्यक्ष नीलम इंद्रपाल सिंह रही। अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्रवण पांडे, डायरेक्टर राजेश सिंह उर्फ राजू मांडा के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए देहरादून और श्रीनगरी बनारस से आए हुए खिलाड़ियों का परिचय करवाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा फाइनल प्रतियोगिता का शुभारंभ करवाया, जो बहुत ही रोचक और जबरदस्त मुकाबला चला और अंततः देहरादून की टीम विजेता बनी। फाइनल मुकाबला देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। आइए अब सुनते हैं आयोजन समिति को और युवाओं के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। निखिलेश त्रिपाठी, आज के इस आयोजन के बारे में जो खेल था, इससे क्या समाज और जो खेल प्रेमी हैं उनको क्या मैसेज संदेश देंगे सर? सबसे बड़ा तो ये है कि आपने जो खेल देखने के लिए जिस तरह से लोग आते हैं, उससे पता चलता है कि गांव के लोग कितनी रुचि है, इससे ही प्रदर्शित होता है और उससे साफ जाहिर होता है कि यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए, थोड़ा थोड़ा मिलकर प्रयास करें, ऐसे खेलों के आयोजन को हर जगह किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए जो खेलो इंडिया का नारा है, इसी बात को लेकर के है कि केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहना, सरकार के आधार पर कोई खेल का आयोजन शायद सफलता नहीं प्राप्त करेगा कि जनभागीदारी नहीं होगी। प्रदर्शित संदेश यही देना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे आयोजनों को जनभागीदारी से करने की आवश्यकता, बाकी सरकार की योजना देखा नहीं है। विगत कई वर्षों से यहाँ वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है और जैसे भीड़ देखी जाती है तो एक स्टेडियम अगर बन जाए तो इससे खिलाड़ी और बैठने के लिए भी व्यवस्थाएं, स्टेडियम की जगह नहीं है, भीड़ के हिसाब से तो लगता है कि स्टेडियम की जगह नहीं है ना, स्टेडियम की जगह चाहिए ना, फरवरी से 22 महीने हो जाएगा तो हायर सेकेंडरी के बीच में मैदान है, बगल में कुछ मैदान है, उसके लिए स्टेडियम के लिए कम से कम इतना मैदान तो हो जिस तरह से देव तालाब के भीतर है, बगल में 22 फरवरी से 2 वर्ष हो जाएंगे आपके। मऊगंज में एक बार आश्वासन मिला था स्टेडियम के लिए, मऊगंज के लिए वो कर रहे हैं, शायद मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं जी, उसी में प्रयास हम भी कहेंगे विधायक जी से कि यदि उनने घोषणा करा ली तो मान लो कि हो जाएगा, पर ये विधायक के ऊपर है, कमाल होता है कि घोषणा करा लेते कि नहीं करा लेते। मैं भी कहूँगा उनको, यदि मैं रहूँगा तो मैं खुद जी मैंने चूंकि आश्वासन दिया है इसलिए आप घोषणा कर दिया है, मीटिंग में मुझे रहने का अवसर मिला, जो मैंने आश्वासन दिया उसको पूर्ति के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा।